भारत की एक ऐसी महिला एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिन्होंने आज तक 80 से भी ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया है, जिसकी वजह से उन्हें देखकर ही आतंकवादी कांपने लगते हैं। साल 1995 में पुलिस सब इंस्पेक्टर के तौर पर ज्वाइन करने के बाद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शाहिदा प्रवीण जी जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में शामिल हुई थी। इस ग्रुप में शामिल होने वाली शाहिदा प्रवीण जी पहली महिला कमांडो थी। शुरुआत में जब उन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था तो उनके सीनियर्स ये सोचते थे कि एक महिला ऑफिसर एनकाउंटर कैसे कर सकती है, लेकिन शाहिदा प्रवीण जी ने खुद को साबित करके साल 1997 से 2002 के बीच राजौरी और पुंछ जिलों में हिजबुल और लश्कर के 80 से ज्यादा खूंखार आतंकवादियों का सफाया किया था। उनके इसी हौसले और साहस की बदौलत उन्हें राज्य पुलिस का श्रेष्ठतम गैलेंट्री अवार्ड और ग्रेट विमेन अचीवर्स अवार्ड से नवाजा गया था। शाहिदा प्रवीण जी के साहस के लिए हम उन्हें सलाम करते हैं। भारत का एक ऐसा आईपीएस अधिकारी जिसका आईपीएस में सिलेक्शन तो हो चुका था, लेकिन देश में अनाज और भुखमरी के संकट को देखकर उस आईपीएस अधिकारी ने अपनी आईपीएस की नौकरी तक छोड़ दी और खेती में क्रांति लाने के काम में जुट गए। कौन था वो आईपीएस अधिकारी और कैसे लाया वो कृषि क्रांति, चलिए जानते हैं। तमिलनाडु के एक मिडिल क्लास घर में पैदा हुए एमएस स्वामीनाथन का बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनने का सपना था, जिसके लिए साल 1940 में उन्होंने आईपीएस की परीक्षा तक पास कर ली थी। लेकिन साल 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ गया, जिससे हजारों लोगों की भुखमरी की वजह से मौत हो गई थी। इस घटना ने स्वामीनाथन को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। फिर साल 1972 में ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत उन्होंने गेहूं के ऐसे बीजों की बुआई की जिससे फसलों की उपज बढ़ गई। साथ ही उन्होंने फसलों में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल का चलन भी शुरू किया। इसका फायदा ये हुआ कि देश में गेहूं की पैदावार बढ़ गई और अकाल खत्म हो गया। 28 सितंबर यानी हाल ही में उनका देहांत हो चुका है। हम उन्हें A2 फैमिली की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हिरनी जैसी चाल, उस पे लंबे सुनहरे बाल और दोस्तों मोदी जैसा तो चीन क्यों ना हो बिहार। G20 समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी और मोदी जी की दोस्ती देखकर चीन क्यों फड़फड़ा रहा है, क्यों उसे मिर्ची लग रही, चलिए जानते हैं। दरअसल G20 समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी और मोदी जी की दोस्ती और गहरी होती जा रही। ऐसा कहा जा रहा है कि जॉर्जिया मेलानी ऐसे समय G20 के आयोजन में भारत पहुंची जब इटली ने चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अपने हाथ वापस खींच लिए। यही नहीं, चीन को मिर्ची लगने का एक और कारण भी है। जहां इटली चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट से बाहर हो रहा है, वहीं इटली भारत, अमेरिका और यूए के बीच बनने जा रहे मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का हिस्सा भी बनने जा रहा है। इस G20 समिट में चीनी प्रधानमंत्री ने मेलानी से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मेलानी ने BRI पर कोई भी डिसीजन लेने से साफ मना कर दिया। यही कारण है कि चीनी ड्रैगन मेलानी और मोदी जी की दोस्ती देखकर तिलमिला रहा है। गाइस, आप लोगों ने साईफाई मूवीज में देखा होगा कि एक हीरो टाइम को फ्रीज करता है और उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक करते हुए अपना काम करके निकल जाता है। अगर मान लो इन फ्यूचर साइंस ने इतना तरक्की कर लिया और हम लोगों ने टाइम को फ्रीज कर दिया, तो क्या हम लोग सब कुछ ठीक कर पाएंगे? नहीं। साइंस की भाषा में अगर मैं आप लोगों को जवाब दूं तो टाइम फ्रीज करते ही हम अंधे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग देख तभी पाते हैं जब लाइट के फोटोन हमारी रेटिना पर टकराएं। लेकिन अगर हमने टाइम को फ्रीज कर दिया तो ये लाइट के फोटोन भी फ्रीज हो जाएंगे और हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे, बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। क्या आप ये साइंस का फैक्ट इससे पहले तक जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।